उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून 7 सितंबर से एक्टिव होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से उठ रही हवाओं का असर यूपी के पूर्वांचल के जिलों में देखने में मिलेगा। सोमवार को यूपी के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में 2.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसत अनुमान से 67% कम है। दूसरी तरफ मामूली बारिश होने की वजह से राजधानी लखनऊ में उमस भरी गर्मी बढ़ गई। रविवार के बाद सोमवार सुबह भी लखनऊ में चिपचिपी गर्मी पड़ी हुई है। आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया, नमी न बनने के कारण उमस भरी गर्मी पड़ रही है। बादलों में अचानक उठ रही हवाओं की वजह से मामूली नमी बनी रहेगी। यूपी के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बलरामपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, मऊ, बलिया, गाजीपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई और लखीमपुर खीरी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिजली की चमक भी हो सकती है। बीते 24 घंटे में औसत अनुमान था कि 6.5 मिलीमीटर बारिश होगी, लेकिन औसत अनुमान से 67% कम बारिश हुई। मानसून शुरू होने से अब तक 343.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि औसत अनुमान 614 मिलीमीटर होने का अनुमान था। अब प्रदेश भर में 44% कम बारिश हुई है। वाराणसी में आज हल्की धूप खिली है। आज सुबह वाराणसी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। हवा में नमी 95% दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने 6 से 8 सितंबर तक वाराणसी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं आज का मौसम बादलों वाला रहेगा। आज बारिश होने के आसार कम हैं। वाराणसी का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह 8 सितंबर तक मौसम ऐसे ही रहेगा। 9 सितंबर से कड़ी धूप निकलेगी। 8 सितंबर को बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम में आर्द्रता अधिक होने के कारण पसीना सूख नहीं रहा, बिना एसी के रहना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।